हेलो दोस्तों, दिल की गहराई से आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है, क्योंकि आप लोग अपना कीमती वक्त निकाल कर आते हैं वीडियो देखने के लिए। बहुत सारे लोग सोच रहे हैं कि सर आप वीडियो बना तो रहे हो लेकिन बहुत लेट लेट से। देखो मैं क्या करता हूँ कि जब तक मुझे कोई ऐसा स्टॉक ना मिल जाए जिससे मतलब सबको फ़ायदा हो, तब तक मैं बैठे रहता हूँ भाई, तब तक मैं बैठे रहता हूँ। कंटिन्यू वीडियो भी बनाऊंगा, टेंशन मत लीजिए, लेकिन अभी जो मार्केट का टाइम है ना, खजाना ढूंढने का टाइम है, इसीलिए मैं आपको बोलता हूँ केवल चैनल को सब्सक्राइब करके जुड़े रहिए। उसके बाद सारा इन्फॉर्मेशन मैं आपके साथ शेयर करता रहूँगा करता रहूँगा करता रहूँगा। याद रखिए केवल चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल फ्री है भाई, लेकिन वीडियो बनाने में टाइम, एनर्जी, मनी सब कुछ लगता है। तो आज उसी तरीके से मैं आपको एक ऐसा स्टॉक बताना चाहता हूँ। देखो पता तो सब लोगों को है, एक बात बताओ, मार्केट में हज़ारों कंपनी लिस्टेड है, सबको पता है कि नहीं, लेकिन कौन सा स्टॉक सबसे ज़्यादा प्रॉफिट निकाल के देने वाला है भाई, ये चीज़ें यहाँ पर मैं आपको बताऊँगा। टाइम वेस्ट तो बिल्कुल नहीं करूँगा, छोटा ही वीडियो बनाऊंगा, लेकिन जल्दी जल्दी इन्फॉर्मेशन मैं आप लोगों के साथ शेयर करने की कोशिश करूँगा। कंपनी का नाम है बेस्ट ऑफ लाइफ, इसके बारे में मैंने ऑलरेडी आप लोगों को पहले जानकारी दे रखा है, लेकिन आज मैं वीडियो क्यों बना रहा हूँ, रीज़न मैं आपको बताना चाहता हूँ। रीज़न अगर आप देखोगे तो पिछले एक महीने में स्टॉक में काफ़ी अच्छी पिटाई हुई है। 1600-1700 रुपये का स्टॉक ये, अभी अगर देखेंगे तो थोड़ा बहुत गिरावट देखने को मिला था, 1518 रुपीज़ है आज, तो थोड़ा बहुत रिकवरी भी देखने को मिला, नीचे 1300 रुपीज़ के बाजू में गया था, 1300 रुपीज़ के बाजू में, मतलब काफ़ी अच्छा यहाँ पर गिरावट देखने को मिल चुका है। और पहले से देखेंगे तो ये पहले से जब भी स्टॉक में तेज़ी हुई थी तो काफ़ी अच्छा प्रॉफिट निकाल के दिया है। अब हुआ क्या है, रीज़न समझने की कोशिश कीजिएगा, मैं आपको बताता हूँ कि अब जैसे कि नेक्स्ट मंथ में अगर आप देखिएगा, एक महीने छोड़ के तो फरवरी में बजट है, बजट में गवर्नमेंट ने आज से ही डिसाइड करना स्टार्ट कर दिया है कि भाई फर्टिलाइज़र सेक्टर में ज़्यादा ध्यान देंगे। यूरिया नाम की जो चीज़ होती है, मतलब किसानों को और ज़्यादा सब्सिडी दी जाएगी मदद करने के लिए, और इकोनॉमी को बूस्ट करने के लिए और ज़्यादा मदद किया जाएगा, समझ रहे हो ना। तो पहले क्या था कि 1.5 लाख करोड़ था, अब क्या है कि 1.10 लाख करोड़ होने वाला है, मतलब बहुत बड़ा अमाउंट है। इससे क्या हुआ कि बहुत सारे फर्टिलाइज़र स्टॉक भागेंगे कि नहीं भागेंगे, अब बताओ। सारे फर्टिलाइजर स्टॉक आपको भी पता है, मुझे भी पता है, पूरी दुनिया को पता है, लेकिन कौन से ऐसा एक यूनिक स्टॉक है जिसको खरीद के हम प्रॉफिट कर सकते हैं, जिस कंपनी का नाम है बेस्ट एग्रो लाइफ, इसी चीज़ को इतना ही बताने के लिए मैं वीडियो बना रहा हूँ, क्योंकि इस चीज़ को ढूंढने में, रिसर्च करने में बहुत टाइम लगता है, भरोसा कीजिए बहुत ज़्यादा टाइम लगता है, इस वजह से लेट बनाता हूँ। और बेस्ट एग्रो लाइफ में मैं आपको बता देना चाहता हूँ, यहाँ से गिरावट होने का बहुत कम चांस है, जितना यहाँ पर लो इसने टच किया है, एक मिनट में आपको दिखाता हूँ, इसने जो अभी लो टच किया है ना 1353 रुपीज़ का और 52 रुपीज़, यहाँ से भाई स्टॉक गिरने का बहुत बहुत कम चांस है, और यहाँ से बहुत ज़्यादा चांस है कि स्टॉक आपको बड़ा रिटर्न निकाल के देगा। और एक चीज़ मैं आपको बता देना चाहता हूँ, जितने भी लोग हैं यहाँ पर जो लॉन्ग टाइम के लिए सोचते हैं कि भाई मैं कोई ऐसा स्टॉक बता दो, 2 साल 3 साल 5 साल 10 साल पकड़ के रखूँ और जिससे मुझे बड़ा प्रॉफिट भी मिले और नुकसान भी ना हो, तो बेस्ट अगर लाइफ से अच्छा स्टॉक मैं आपको बता सकता हूँ वो कोई हो ही नहीं सकता। सामने में किसी को भी चैलेंज करके बोल सकता हूँ सबसे अच्छा स्टॉक यही है। ये तो हो गई बात की बात, अब मुद्दे की बात कर लेते हैं। ये कंपनी का फाइनेंशियल इनकम स्टेटमेंट अगर आप देखोगे तो कंपनी का फाइनेंशियल इनकम स्टेटमेंट ये 2021 से आपको बताया जा रहा है, यहाँ पर अगर आप देखोगे तो भाई ये क्वार्टर वाइज आपको दिखाया जा रहा है, जो ग्रो होता हुआ नजर आ रहा है। अगर आप एनुअली देखना चाहते हैं, 2018 में तो कंपनी का वैल्यू कुछ था ही नहीं, आज के डेट में कहाँ से कहाँ चला गया, तो ये है। और यहाँ पर तो अगर आप नंबर्स में देखोगे तो सारे फिगर्स आपको ग्रीन ही देखते हुए नजर आएंगे। और कंपनी के पास बैलेंस शीट देखोगे तो बैलेंस शीट भी काफ़ी ज़्यादा इंप्रूव हो रहा है, और पहले जो बैलेंस शीट था वो बहुत कम था, मतलब कंपनी बहुत छोटी थी। सबसे बड़ी चीज़ भाई कि मैं इस किस दम पे बोलना चाहता हूँ कि ये कंपनी जो है काफ़ी अच्छा रहेगा, बजट के हिसाब से भी, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के हिसाब से भी। ये देख रहे हो, ये जो कंपनी है जो बनाती है ना, ये सारे जो कीड़े वगैरह होते हैं, ये जैसे ये जैसे क्या होता है कि जब खेती किया जाता है तो बहुत सारे ऐसे कीड़े मकोड़े हो जाते हैं जो फसलों को खा जाते हैं, बहुत बुरी तरीके से उनको नुकसान पहुँचाते हैं, तो इन कीड़ों को मारने के लिए कंपनी जो दवा बनाती है जो केवल कीड़ों को ही नुकसान पहुँचाएगा, और मतलब जो फसल है उसको नुकसान नहीं पहुँचाएगा। उसके साथ साथ ये बहुत सारे जो ऐसे घास वगैरह उग जाते हैं, मतलब जंगली घास उग जाते हैं जिससे कोई मतलब नहीं होता, वो फसलों का जो प्रोटीन वगैरह है वो खींच लेते हैं या फिर उनको ग्रो होने में परेशानी देते हैं, तो इसको डिस्ट्रॉय करने का भी ये जो मेडिसिन बनाता है। बहुत सारे ऐसे बैक्टीरिया, ये कीटाणु वगैरह होते हैं, उनको डिस्ट्रॉय करने का ये लोग बनाते हैं। और फसलों को किस तरीके से ग्रो करना है, बहुत अच्छी तरीके से उनको न्यूट्रिशन देना है और कम टाइम में अच्छी तरीके से ग्रो करना है, ज़्यादा से ज़्यादा उसमें फ्रूट्स हो पाए, फ्रूट्स का मतलब जो धान होते हैं, मतलब एग्जाम्पल मैं आपको दे रहा हूँ, तो इस टाइप का ये मेडिसिन बनाते हैं। इनके पास बहुत बहुत सारे हैं प्रोडक्ट, बहुत का मतलब बहुत सारे, ये देख सकते हो, ये प्रोडक्ट आपको बताया जा रहा है, ये प्रोडक्ट है कंपनी के पास। तो आप सोच लीजिए कि भाई जिस तरीके से गवर्नमेंट के ऊपर ध्यान दिया जा रहा है तो ये सारी चीज़ों में भी ग्रोथ देखने को मिलेगी। और कंपनी के पास अभी, और मैं आपको बता दूं, कम से कम 10-15 प्रोडक्ट अभी जो है कंपनी लॉन्च करने वाली है, अभी तक कंपनी ने लॉन्च नहीं किया, वो सारे प्रोडक्ट पर कंपनी काम कर रही है। तो ये जो कंपनी का प्रोडक्ट है ना, ये बहुत स्ट्रांग प्रोडक्ट है, और आने वाले 2-3 सालों में कंपनी के जो CEO हैं उन्होंने खुद बोला है कि हम और जो है 10-15 प्रोडक्ट नए लॉन्च करने वाले हैं मार्केट में।
इनके पास जो इन्वेस्टर हैं उन सभी लोगों का मैंने डेटा देखा है जो क्वार्टरली एनुअली या फाइनेंशियली हर तरीके से मतलब जो इन्वेस्टर है पैसा इन्वेस्ट करते हैं कौन कितना कैसे कर रहा है, जो प्रमोटर्स की जो प्रमोटर्स का जो इंटरेस्ट है प्रमोटर्स अपना इंटरेस्ट ज़्यादा दिखा रहे हैं कंपनी के ऊपर, मतलब प्रमोटर्स जो हैं और पैसा इन्वेस्ट कर रहे हैं खुद की कंपनी के शेयर खरीदने में। पहले प्रमोटर्स के पास केवल 5% हुआ करता था, फिर 38% हो चुका, 40% हो चुका, 45% हो चुका, 47% हो चुका। आजकल के डेट में अगर देखोगे तो फॉरेन वाले भी काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर इन्वेस्ट कर रहे हैं और पब्लिक के पास पहले 50% था, अब इनके पास केवल 38% ही बचा है। तो मेरे हिसाब से ये स्टॉक बहुत अच्छा है, बहुत का मतलब बहुत अच्छा है। एक बार फिर भी अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से कंसल्ट जरूर कर लीजिएगा, ब्लाइंडली बिलीव मत कीजिएगा। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा अगर आपको केवल अच्छे स्टॉक के बारे में जानकारी चाहिए तो। चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल फ्री है, चैनल को सब्सक्राइब किए बिना मत जाइएगा यहाँ से। और लाइक करो चाहे मत करो कोई दिक्कत नहीं है भाई, लाइक से कोई बेनिफिट नहीं चाहिए हमें। आप सब्सक्राइब करोगे तो मैं आप तक इन्फॉर्मेशन भेज पाऊंगा। लाइक होने से क्या होगा कि भाई मेरे वीडियो की पॉजिटिवनेस बढ़ेगी, तो मैं नहीं चाहता पॉजिटिवनेस बढ़े, आप तक इन्फॉर्मेशन पहुंचा दूं उतना ही काफ़ी है।